जय हिंद गाइस, आज बहुत इम्पोर्टेंट अपना चैप्टर चालू होगा एंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज़ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब हम लाइफ में अगर जितने भी काम कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है। टीवी देखना है या फिर आपको मोबाइल चार्ज करना है या फिर इंडस्ट्री के काम है, कोई भी चीज़ हो तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बिना हमारा काम नहीं होता। तो इनसेपरेबल पार्ट है हमारे लाइफ का, और ये जो इनसेपरेबल पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है अपना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट फ्रॉम मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये चैप्टर में थ्योरेटिकल पॉइंट रहेंगे प्लस इसमें प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो ये चैप्टर को आपको प्रॉब्लम बेस्ड भी सॉल्व करना पड़ेगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स के छोटे छोटे से कंसेप्ट आएंगे। तो हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न सम थ्योरेटिकल पार्ट। एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, इसमें प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, तो आप सबके पेन बुक सब साथ में होना, और जब भी प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें नियर अबाउट 30 30 पार्ट्स रहेंगे अपने चैप्टर में। बहुत बड़ा चैप्टर है, विल रिक्वायर नियर अबाउट 25 डेज टू कम्प्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, तो अपना एक सिंपल सा कंसेप्ट चालू करना है, इम्पॉर्टेंट वन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बेसिकली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए आपको एक सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट मालूम रहना रिलेटेड टू मैटर। अब मैटर के रिलेटेड एक पॉइंट इसके पहले हमने डिस्कस करे थे, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपने इसके पहले एक बेसिक पॉइंट सुने होंगे, मैटर जो भी रहेगा इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैटर जो रहता है इट इज़ जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैटर को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। अब बेसिकली मैटर जो रहेगा, आपने इसके पहले जो जनरल सुना होगा कि मैटर इज़ कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर जो रहेगा उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो रहेगा दैट इज़ एटम्स, एटम से मैटर बनता है। अब अगर सपोज आपने एटम अगर कंसिडर करें तो एटम में आपने एक बेसिक चीज़ सुने होंगे दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और उसके बाहर जो रहेंगे दे आर ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स प्रेजेंट रहते हैं, और ऑर्बिट्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बेसिकली मैटर जो है, मैटर इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये एक अपना इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सेकेंड वाला पार्ट ऐसा है कि मैटर जब भी बनता है तो ऑब्वियसली उसका बिल्डिंग ब्लॉक रहता है एटम। मैटर जो रहेगा एटम से बनेगा। एटम जो है वो अगर देखे तो आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली मैटर जो रहेगा आपका, ये मैटर बनेगा सब एटोमिक पार्टिकल्स जो रहेंगे, ये सब एटोमिक पार्टिकल से क्या बनने वाला है, एटम बनने वाला है। अब ये जो सब एटोमिक पार्टिकल रहेंगे दे विल बी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीन अपने बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब ये जो चैप्टर है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में बेसिक पॉइंट मालूम रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, एंड देन वी विल एंटर इनटू द चैप्टर। तो अभी तक का इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज़ इनसेपरेबल पार्ट। ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ से हम सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। 2 महीने अगर आपको बोला जाए कि भाई घर में रहो तो आपको दिक्कत हो रही, अगर ऐसा बोला जाए 2 महीने आप घर में रहो जहाँ पे लाइट भी नहीं रहेंगी, ना मोबाइल ना कुछ, तो ऑब्वियसली आप परेशान हो जाएंगे। तो परेशान छोड़ो, आप अब ऐसा बोलेंगे कि भाई कहाँ आ गए हम। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल नहीं है जीना अपने लिए। इलेक्ट्रिसिटी इनसेपरेबल पार्ट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरल अगर देखिए फिजिक्स के 10th स्टैंडर्ड में भी इनसेपरेबल पार्ट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये चैप्टर से आएंगे आपको। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लेंदी, सबसे बड़ा, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैटर से। हम बोल रहे हैं मैटर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि मैटर बनता है एटम से, और एटम्स जो रहेंगे ये डिवाइडेड रहते हैं किसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल में। ये जो रहता है दिस इज न्यूक्लियर पार्ट, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट जो रहता है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर नेगेटिवली चार्ज।
अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रहता, बिकॉज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, तो इसके लिए हम न्यूट्रॉन का डिस्कशन नहीं भी करें तो चलता। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बेसिक हमारे को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड टू डिस्कस रिलेटेड टू सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अपना पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज़ प्रोटॉन। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है अपने को, प्रोटॉन। तो व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन, प्रोटॉन का जनरल डिस्कशन हम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सब मैं डिस्कशन बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे हमको। तो व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या रहता। प्रोटॉन हम बोलेंगे, प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो व्हाट इज़ प्रोटॉन, प्रोटॉन जो रहेगा हमारा, प्रोटॉन हम बोलेंगे इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो रहेगा दैट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो रहेगा, प्रोटॉन पे जो चार्ज रहेगा, व्हाट इज़ चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन जो रहेगा उस पर चार्ज रहता +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो व्हाट इज़ चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। पहला पॉइंट अपना प्रोटॉन के रिलेटेड, प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट ऐसा कि इस पे का चार्ज जो रहेगा दैट इज़ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब सेकेंड पॉइंट जो रहेगा अपना, सेकेंड सब ये फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे को समझना है दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका यूज़ क्या रहेगा, अपना पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है तो ऑब्वियसली उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन आप सबको याद रहना चाहिए कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो चार्ज होता है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कितना चार्ज रहेगा इस पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो पहला बेसिक सा पॉइंट अपना कि अपने पास में सब एटॉमिक पार्टिकल में दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स के बारे में हमारे को मालूम रहना चाहिए, प्रोटॉन विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन, और उसका चार्ज रहेगा +1.6 × −19 कूलम। इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो रहेगा उसका चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो प्लस और माइनस का फर्क है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट साइन इज अपोजिट, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब बेसिकली चीज़ क्या है कि आपको अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझना है तो सबसे पहला जो पॉइंट रहना चाहिए, आपको जो मालूम रहना चाहिए दैट इज़ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो आपको मालूम रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते, उसका एग्जांपल क्या रहेगा, वो अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर समझ में आए तो चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा रिलेटेड टू योर चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज्ड बॉडीज बोल सकते हैं आप। पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता, व्हाट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बेसिकली चार्ज क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। आपको एक क्वेश्चन आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपका पहला एक मार्क का क्वेश्चन डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है वो आपको डिफाइन करना है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के रिलेटेड, डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कैसे किया जाता है, सबसे पहली चीज चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी, क्या रहेगा, चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी। चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी, बहुत से लोग इसको एंटाइटी भी बोलते, एंटिटी। बहुत से बच्चे एंटिटी बोलने के बाद एंटिटी लिख देते, ये एंटिटी नहीं लिखना है, इट इज़ एंटाइटी। तो चार्ज क्या रहेगा, चार्ज इज़ अ फिजिकल एंटिटी या फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं आप इसको, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड
which can be expressed by deficiency, or excess of electrons. अब बेसिकली चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी फिजिकल एंटिटी है या फिजिकल क्वांटिटी है, और जब इसको आप एक्सप्रेस करेंगे तो इसको आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन. रेफरेंस आपको इलेक्ट्रॉन का लेना है. इसके लिए मैंने पहले आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले बताया. इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी, हाउ टू डिफाइन अ चार्ज. चार्ज इज़ अ फिजिकल एंटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डिफिशंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज इज़ अ फिजिकल एंटिटी विच कैन बी डिफाइंड और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय डिफिशंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर सपोज कोई बॉडी है, कोई बॉडी पे अगर सपोज इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दैट बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज. अगर सपोज कोई बॉडी जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दैट बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज. तो कोई भी बॉडी जो है उसको हम चार्ज्ड बॉडी कब बोलेंगे? बॉडी विल बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज्ड बॉडी. बॉडी विल बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज बॉडी ओनली इन टर्म्स ऑफ डिफिशियंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वॉट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज. तो अपन ऐसा बोलेंगे, चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हम जो चीज़ को बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज. अब सिंपल सा ये जो एग्जाम्पल है आपका, इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल कंसेप्ट आपको समझा था. सबसे पहली चीज़, डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज. तो चार्ज का डिफिनेशन आपको लिख देना है. चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है कि आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कब रहेंगी. ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज. कोई भी अगर सपोज सब्सटेंस है तो सब्सटेंस पे दो टाइप के चार्ज आ सकते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, अब सपोज आपके पास में यू हैव अ ग्लास रॉड. आपके पास ग्लास रॉड है. ठीक है, अब बेसिकली आपने अगर सपोज एक ग्लास रॉड को, ये ग्लास रॉड है सपोज, दिस इज अ ग्लास रॉड. ये ग्लास रॉड को अगर आपने रब करे सिल्क के ऊपर, फर है आपके पास में या सिल्क है आपके पास, सिल्क का कपड़ा. ये सिल्क के कपड़े पे आपने अगर ये ग्लास को रब करे, सपोज दिस इज सिल्क. ये सिल्क एक्चुअल में नहीं है, हम ऐसा कंसिडर करें कि सिल्क है. अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा, ये ग्लास रॉड को रब कर रहा. ठीक है, अगर सपोज मैंने ग्लास रॉड लिया और उसको रब करा सिल्क के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड गेट्स चार्ज्ड. ग्लास रॉड जो है वो चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली कोई भी बॉडी क्या हो जाती, चार्ज हो जाती. वो चार्ज कैसे होगी उसका पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ एक जनरल पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन के बेसिस पे कि ग्लास रॉड जो है उसको हम सिल्क से रब कर रहे हैं, यानी सिल्क के ऊपर रब कर रहे हैं. सिल्क के ऊपर रब करने के बाद में आपका जो ग्लास रॉड है वो चार्ज हो जाता है. वही अगर सपोज आपने अब एबोनाइट रॉड लिए, एबोनाइट रॉड. ठीक है, आपके पास में अब एबोनाइट रॉड है. अब क्या कर रहे हैं आप, ये एबोनाइट रॉड को रब कर रहे वुल पे. यू आर रबिंग एबोनाइट रॉड ऑन वुल. इसको आप रब कर रहे, एक रॉड है आपके पास में एबोनाइट. अभी एबोनाइट रॉड क्या रही थी, व्हाट इज कॉल्ड एबोनाइट रॉड. एबोनाइट रॉड जो रही थी दैट इज वल्कनाइज्ड रबर. ठीक है, ये वल्कनाइज्ड रबर है बेसिकली. रबर जो एकदम हार्ड रहता, जैसे अपने ट्रक के टायर वगैरह रहते एकदम हार्ड रहते रबर के, तो वैसे अगर हमने रॉड बनाए रबर की और उसको वल्कनाइज्ड किया. वल्कनाइज मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉफ्ट जो रबर रहता है उसको हार्ड में कन्वर्ट किया जाता है. तो बेसिकली एबोनाइट रॉड है आपके पास. ये एबोनाइट रॉड को अगर आपने वुल पे रब करे तो फिर आपकी जो एबोनाइट रॉड है ये चार्ज हो जाती है. अब क्या होता, इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी, जैसे एबोनाइट रॉड को आपने वुल पे रब करे तो आपका जो एबोनाइट रॉड है उस पर इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाते हैं. अब इसमें एबोनाइट रॉड पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाते, इसके लिए आपकी एबोनाइट रॉड जो रहती है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. कौन सी चार्ज हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज. बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपका. एबोनाइट रॉड को अगर वुल पे रब करें आपने तो उस पर इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट हो जाते हैं एक्सेस, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने की वजह से आपके एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. सेकेंड चीज़ ऐसी, जैसे कि आपने ग्लास रॉड लिए और उसको अपने सिल्क पर अगर रब करे तो क्या होगा, आपका जो ग्लास रॉड है इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे
इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते या ट्रांसफर हो जाते टू सिल्क, तो आपका ये जो रहता है दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा डिनोट करेंगे बाय यूजिंग अ प्लस साइन। तो क्या होगा, आपका जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, बिकॉज ऑफ डिफिशंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेन चीज़ ऐसी कि आपकी बॉडी यानी कोई भी सब्सटेंस अगर आपने यूज़ किए, एक मटेरियल अगर आपने यूज़ करे, तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं तो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कोई सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज होता है तो बेसिकली उसमें डिफिशंसी क्या है, डिफिशंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस अगर सपोज कौन सा चार्ज हो जा रहा है, इफ़ दैट सब्सटेंस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, इसका मतलब ये उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली पहला पॉइंट जो आपको समझना है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज बॉडीज, तो सिंपल सा पॉइंट ऐसा, एनी बॉडी कैन बी चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ दैट फिजिकल एंटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डिफिशंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है और नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब भी होगी तो उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। हमेशा याद रखो प्रोटॉन्स जो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर रहते, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इसके लिए जो कुछ भी ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हमेशा होता है और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हम कंसिडर करते इसके लिए इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम हमेशा क्या कंसिडर करते, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज इज़ डिफाइंड ऑन बेसिस ऑफ डिफिशंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो टाइप की आपकी बॉडीज रहेंगी। पहली बॉडी जो रहेंगी दैट विल बी रिलेटेड टू योर पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड विल बी रिलेटेड टू नेगेटिवली चार्ज। तो ये दो टाइप की आपकी चार्ज बॉडी रहेंगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा रहेगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी हमारा ये है, हमारे पास दो टाइप के रॉड है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। अब बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टीज़ आपको पूछते, क्वेश्चन आता आपको डिफाइन या एक्सप्लेन, डिफाइन नहीं सॉरी एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है। और ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको लिखना बहुत आसान है, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएंगे हमारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, और क्वेश्चन ऐसा रहेगा एक्सप्लेन, प्लीज़ राइट डाउन क्वेश्चन, एक्सप्लेन और राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। पहले राइट लिख देते अपन, सिंपल वाला राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, पहले हम प्रॉपर्टीज़ लिख लेते फिर उसको एक एक को डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन है दो मार्क के लिए। अब मेन चीज़ ऐसी, आपका जो पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, वो ऐसा लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख रहा, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन आया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन कैसा करेंगे आप, कंसिडर टू लाइक चार्जेस, सपोज दो नेगेटिव चार्ज और ये दो नेगेटिव चार्ज अगर आजू बाजू रखे जाए तो ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में फोर्स बनेगा और ये फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, चार्जेस को एक दूसरे से दूर लेके जाएगा। तो बेसिक पॉइंट ऐसा, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो बेसिकली ये रूल ऑफ नेचर है, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल इच अदर। सपोज मैंने पॉजिटिव और पॉजिटिव लिया, दैट विल ऑल्सो रिपेल, ये दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन या इसको हम बोल सकते इट इज़ दे आर गोइंग टू रिपेल इच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे ये। अब सपोज आपके पास में अगर एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होगा जो एक दूसरे को नज़दीक ले जाएगा, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ऐसी कि लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर गोइंग टू
अट्रैक्ट इच अदर, तो रिपेल और अट्रैक्शन ये दोनों पॉइंट आपके इसके रिलेटेड रहेगा। तो लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल एंड अनलाइक आर गोइंग टू अट्रैक्ट, ये पहली प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू चार्ज। अब ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी रहेंगी अपनी चार्ज के रिलेटेड वो क्या रहेगा, वॉट इज सेकेंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू चार्ज। सेकेंड पॉइंट ऐसा कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड पॉइंट ऐसा रहेगा आपका चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अभी स्केलर का मतलब क्या होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी, आपने एक जनरल पॉइंट स्केलर के रिलेटेड सुने होंगे तो वैसा, व्हाट इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या रहता कि एक ऐसी क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली ऑन बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मतलब अगर सपोज आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है और आप जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो डिस्क्राइब करते वक्त आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, आपको कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी टाइप की जो क्वांटिटी रहेंगी उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। तो आपको क्वेश्चन आता है चार्ज इज अ डैश क्वांटिटी, तो आंसर स्केलर क्वांटिटी रहेगा। तो आपको ये पॉइंट अंडरलाइन करके रखना है, यानी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज कौन सा क्वांटिटी रहेगा, ऑब्वियसली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब थर्ड वाला पॉइंट ऐसा, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। तो चार्जेस जो रहेंगे ये एडिटिव इन नेचर, एडिटिव का मतलब क्या, सपोज मैंने आपको बोला कि तीन इलेक्ट्रॉन है, देयर आर थ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनका टोटल चार्ज बोलो, व्हाट इज टोटल चार्ज, ठीक है, इसका टोटल चार्ज कितना है ये आपको निकालना है। आपको मैं बोल रहा कि तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना, तो बेसिक क्या हो जाएगा कि आप तीन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए इनको ऐड कर सकते हैं, एडिटिव इन नेचर। स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस मालूम रहना आपको, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडिटिव और वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडिटिव। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए वेक्टर्स के रूल यूज़ करना पड़ते, फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड आपको स्केलर और वेक्टर टॉपिक रहेगा, उसमें वेक्टर एडिशन रहेगा आपको, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल तरीके से एडिशन अगर करना है आपको तो हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते, एज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी इट कैन बी एडेड। अब सपोज क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑन थ्री इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो बेसिकली कैसे बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.3 × 10⁻¹⁹, फिर प्लस −1.6 × 10⁻¹⁹ प्लस −1.6 × 10⁻¹⁹। इन सब का एडिशन अगर कर दी हमने तो एडिशन हो जाएगा −4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसका मतलब क्या है कि आपका जो चार्ज है, चार्ज उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, मतलब इनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर आपको दी भी रही तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा, राइट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो पहला पॉइंट, लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर गोइंग टू अट्रैक्ट इच अदर। फिर उसके बाद में चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या रहेगा, व्हाट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे ओनली ऑन बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, उसको हम बोलेंगे स्केलर, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी इसी कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नेक्स्ट वाला जो रहेगा, नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट रहने वाला है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ इस तरीके से रहेगा, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका इस तरीके से रहेगा, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। और इसके रिलेटेड आपका फॉर्मूला रहेगा q = n into e। तो इसका पूरा पॉइंट डिटेल में आपको मैं आगे बताऊंगा अभी 2 मिनट में।
सबसे पहले तो आपको पूरे प्रॉपर्टीज लर्न करा देता, फिर उसके बाद में ये इस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्या है आपका पॉइंट ऐसा? चार्जेस पहला लाइक आर गोइंग टू रिपेल, अनलाइक आर गोइंग टू अट्रैक्ट, सेकेंड चार्जेस स्केलर क्वांटिटी, थर्ड चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, और फोर्थ क्या रहेगा, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड का मतलब अभी आपको समझा था, बहुत सिंपल है, और उसका फॉर्मूला चार्ज का क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई, वेर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई जो रहेगा उसका मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है उसके लिए आपको बोर्ड पे बहुत गौर से देखना पड़ेगा। तो व्हाट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है वो अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक रहेगा। तो ये आपका सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन। अब इसके आगे का जो पॉइंट रहेगा दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है इधर ध्यान से सुनो, इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है, टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है, समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या रहेगा, लिखो आप टॉपिक, लिखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टॉपिक है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर सपोज आपके पास में बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी सपोज आपकी नेगेटिवली चार्ज है, अगर सपोज कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उस पर ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज बॉडी पे अगर सपोज चार्जेस प्रेजेंट है तो दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसा कि आपका अगर सपोज कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टर्म्स में आपके क्या प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल रहेंगे, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्या प्रेजेंट रहेंगे, होल नंबर प्रेजेंट रहेंगे। आपका अगर कोई बॉडी है तो बॉडी पे होल नंबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहने वाले, मैथमेटिकल टर्म होल नंबर। अब अपन क्या बोल रहे हैं, सपोज ये बॉडी, तो ये बॉडी पे कितने चार्ज है, ये बॉडी पे 5 चार्ज है। अगर सपोज अगर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस पर सपोज 2 चार्ज है तो ये बॉडी पॉसिबल है क्या? यस, दिस बॉडी इज पॉसिबल विच हैज़ हाउ मेनी चार्ज, 2 चार्ज। मतलब कोई भी बॉडी है तो कोई भी बॉडी पे या तो 1, 2, 3, 4, 5 .. इन्फिनिटी इतने चार्जेस प्रेजेंट रह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये कि कोई भी बॉडी अगर आपके पास में प्रेजेंट है तो ऑन दैट बॉडी द चार्जेस आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीजर्स प्रेजेंट रहेंगे या होल नंबर प्रेजेंट रहेंगे, जैसा बोलना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinity, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, हाउ न्यूमेरिकल्स विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ऐसा है आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ये टॉपिक अगर समझना है तो बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। अब अगर सपोज आपको बोले भाई इज़ अ बॉडी पॉसिबल विच हैज़ चार्ज ऑफ 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम, विच हैज़ चार्ज ऑफ 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब मेन चीज़ ऐसी, आपको क्या क्वेश्चन पूछे गया है, इज़ अ बॉडी पॉसिबल विच हैज़ चार्ज ऑफ −6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब इसमें हमारा क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट लगेगा। आपको क्या बोला जा रहा है कि एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और उस पर चार्ज कितना है 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये बॉडी अपनी पॉसिबल है या नहीं, अब हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि अगर सपोज एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली उस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो चार्ज रहेगा −1.6 × 10⁻¹⁹। दो इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो और एक एक चार्ज आ जाएगा −1.6 × 10⁻¹⁹।
तीन चार्ज अगर प्रेजेंट है तो और एक चार्ज आ जाएगा -1.6 × 10⁻¹⁹ और चार अगर चार्ज प्रेजेंट है तो आ जाएगा -1.6 × 10⁻¹⁹ अब इन सब का आप सम करो 16 1.6 1.6 1.6 1.6 इन सब का एडिशन अगर आपने करे तो ये आ जाएगा 6.4 विथ नेगेटिव साइन × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या बोला गया है, इज अ बॉडी पॉसिबल विच इज चार्ज ऑफ -1.6 - 6.4। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर सपोज कोई बॉडी है जिसपे चार्ज 6.4 × -19 कूलम है तो ये बॉडी पॉसिबल है, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन अगर ये बॉडी पे प्रेजेंट है तो उसका चार्ज कितना आ जाएगा -6.4 × 10⁻¹⁹। तो ये एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अगर है तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1000 करोड़ अप टू इन्फिनिटी इतने चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आया 2.5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, इज दिस बॉडी पॉसिबल, तो आंसर विल बी नो, क्योंकि या तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीन इलेक्ट्रॉन रहेगा, चार, ऐसे तरीके से रहेगा, आपको डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है। और एक ही क्वेश्चन देता आपको क्वांटाइजेशन का बेसिक समझने के लिए, क्वांटाइजेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, इज अ बॉडी पॉसिबल विच इज चार्ज ऑफ, इज अ बॉडी पॉसिबल विच हैज चार्ज ऑफ, इज अ बॉडी पॉसिबल विच हैज चार्ज ऑफ। आपको कोई बॉडी पॉसिबल है जिसपे चार्ज है -5 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक बॉडी आपको दी गई है जिसपे चार्ज है -5 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो ये बॉडी पॉसिबल है या नहीं। अब हम बोलेंगे कि एक नेगेटिवली चार्ज है जिसपे -5 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है, तो ये बॉडी पॉसिबल है या नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, सपोज ये बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका चार्ज हो जाएगा -1.6 × -19 कूलम। दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो और चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तीसरा अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वापस आ जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो अब कितने चार्ज हो गए, तीन चार्ज का अगर आपने सम करे तो दैट इज -4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, आपको क्या बोले हुआ है, चार्ज कितने है -5, आपका कितना आ रहा -4.5। सपोज हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा -6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो अगर सपोज बॉडी पे तीन चार्ज है यानी तीन इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज रहेगा -4.8, और अगर चार इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना रहेगा -6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इसका मतलब है या तो बॉडी पे चार्ज -4.8 रह सकता, नहीं तो -6.4 प्रेजेंट रह सकता। आपके क्वेश्चन में क्या बोले हुआ है कि बॉडी पे चार्ज कितना है 5 × -19 कूलम, तो ये बॉडी पॉसिबल है क्या? नो, दिस बॉडी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बॉडी पे चार्ज या तो -4.8 रहेगा नहीं तो 6.4 रहेगा, क्योंकि या तो तीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, नहीं तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, चार, या तो थ्री नहीं तो फोर। इसमें अगर सपोज आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन नियर अबाउट 3.1 या 3.2 आएगा, तो 3.1 3.2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो आपकी बॉडी 5 × -19 कूलम चार्ज वाली प्रेजेंट नहीं रह सकती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कोई भी बॉडी पे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रह सकते, डेसिमल फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड। आ रहा के पॉइंट समझ में, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसी के लिए अपना फॉर्मूला जो था वैसा था कि टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज क्यू, क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर एन इज 1 × 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, क्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो ये आपका एक सिंपल सा पॉइंट रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपका लास्ट वाला क्वेश्चन चार्ज के रिलेटेड हम करेंगे, डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, या क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हम, स्टेट एंड डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। लास्ट क्वेश्चन अभी का, स्टेट एंड डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहेगा वो हम डिफाइन कर दें, फिर उसके बाद में और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे को समझने हैं। ठीक है, चार्ज के रिलेटेड का पॉइंट डिफाइन, या ऐसा भी बोल सकते हम, स्टेट एंड डिफाइन, स्टेट
एंड डिफाइन, एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला पॉइंट है एसआई मतलब, एसआई का फुल फॉर्म रहता है सिस्टम में इंटरनेशनली, ठीक है, सिस्टम में इंटरनेशनली, ऐसा एक जनरल नाम है उसका सिस्टम में। अपन इंग्लिश में बोलते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोले तो आईएएस आ जाता, तो आईएएस नहीं हो, एसआई है। एसआई का मतलब रहता सिस्टम में इंटरनेशनली, ठीक है। तो अपना एक ऐसा जनरल पॉइंट है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो आपको आंसर ऐसा लिखना पड़ेगा, कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अभी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। सपोज आपके पास में दो चार्जेस है नेगेटिव, अब दो चार्जेस नेगेटिव चार्जेस है और इन दोनों को हमने 1 मीटर पे डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यू हैव टू नेगेटिव चार्जेस एंड दिस टू नेगेटिव चार्जेस आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब आपके पास में दो नेगेटिव चार्ज रहेंगे जिनको हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं, तो अब ऑब्वियसली इनके बीच में क्या होगा, देर विल बी रिपल्शन, क्योंकि लाइक चार्जेस आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो व्हेन यू हैव टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, अभी एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर के, यू हैव टू पॉइंट चार्जेस एंड दे आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, तो देर इज गोइंग टू बी रिपल्शन, और अगर रिपल्शन रहा तो फोर्स भी रहेगा। अब अगर दो पॉइंट चार्जेस जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है और अब ये पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करना चालू कर दे, क्या करना चालू कर दे, रिपेल, और रिपेल करेंगे अगर सपोज वो कितने फोर्स है, 9×10⁻⁹ से, तो इस चार्ज को हम 1 कूलम चार्ज बोलेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड एज 1 कूलम चार्ज, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, व्हेन टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एंड व्हेन दिस चार्ज स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 9×10⁹ newton, देन दैट टाइप ऑफ चार्ज इज सेट टू बी 1 कूलम। व्हाट इज 1 कूलम चार्ज, आपको क्या बोला गया है, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, डिफाइन एसआई यूनिट मतलब 1 कूलम आपको डिफाइन करना है। तो अपन ऐसा बोलेंगे 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ 9×10⁹ newton, 9×10⁹ newton between two charges that are placed at a distance of 1 meter from each other, 1 meter from each other. So what is called as 1 coulomb charge? 1 coulomb charge is defined as, 1 coulomb charge is defined as a force of repulsion or attraction between two charges when they are placed at a distance of 1 meter from each other. और ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा फोर्स का, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 9×10⁹, तो 9×10⁹ newton फोर्स अगर दो चार्जेस के बीच में अगर लगता है, ठीक है, तो वो वाले फोर्स को हम, यानी वो वाले रिपल्शन फोर्स को हम 1 कूलम बोलेंगे। तो व्हाट इज 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस और टू पॉजिटिव चार्जेस और टू नेगेटिव चार्जेस एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन विल बी 9×10⁹ और ये दो पॉइंट एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेंगे। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज। और आपका जो चार्ज रहेगा उसको हम जनरली कूलम में बोलते हैं, कूलम इज यूनिट और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, तो चार्ज का यूनिट रहेगा कूलम एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है चार्ज का। अब हम चार्ज के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे।
आगे के पार्ट में, ठीक है? तो प्लीज़ नोट डाउन दिस टॉपिक और आगे के पार्ट को हम और डिटेल में समझेंगे। आप इतना पॉइंट कंटिन्यूसली रिवाइज करो, ये पॉइंट क्लियर हुआ तो और आगे के आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है? तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।